अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर चले? जी बिल्कुल। इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो उन्हें? अरे वो देखो जरा फरहाद। रहने दो, बुलाओ मत उसे। फरहाद को देखा तो इसलिए। हाँ ठीक कहते हो, वाकई क्या जरूरत है? हम तो यहाँ कुछ दिन अकेले रहने के लिए आए थे, मगर ये लोग भी यहाँ पहुँच गए। हम रुकेंगे कुछ दिन और। हम किस लिए रहे यहाँ? अलमास पहुँच गई, नूर पहुँच गई, फरहाद भी पहुँच गया। ये कैसे मुमकिन है कि हम यहाँ रहे और इनसे ना मिले? ऐसा करते हैं कि नाजान और जाहिद को भी यहीं बुला लेते हैं। हम यहाँ सबसे दूर रहने के लिए आए थे यार। अली हम यहाँ नहीं रह सकते। कहीं भी नहीं जा रहे हम दोनों। और क्यों भागे हम इनसे? वजह? यहाँ तुम मेरे लिए आए थे, मेरे सुकून के लिए। उठो चलो, यहाँ सुकून नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? अरे बस नहीं है, मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि वो कुजान पकड़े गए ना। क्या हमारा पीछा कर रहे थे फरहाद? हाँ पीछा कर रहे थे जब यहाँ पहुँच गए तुम। यहाँ आकर मैंने तुम्हारा रोमांटिक ट्रिप खराब कर दिया ना। इसीलिए अपने हस्बैंड से कह रही थी कि यहाँ से चलें, ताकि तुम लोगों को ऐसा ना लगे कि ट्रिप तुमने खराब किया। हमारा यहाँ मिलना इत्तेफाकिया है। यहाँ तुम लोग कर क्या रहे हो फरहाद? संजकतार की शूट के लिए आए हैं, और मिस्टर करीम ने भी पहले आके सरप्राइज कर दिया हमें। अच्छा सरप्राइज है, शायद काम को लेके सीरियस है। सनसनी फैला दी उसने तो आते ही। क्या तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? वो नूर अब एक मशहूर मॉडल बन चुकी है। क्या तुम्हें लगता है कि वो आदमी सिर्फ शूट के लिए आया होगा? फरहाद मैगजीन में आएगी ना दोनों की तस्वीर। मिस्टर करीम की तस्वीरें आए दिन मैगजीन में आती रहती हैं। मिस्टर करीम नूर को सिर्फ अपनी एक मॉडल समझते हैं। अच्छा बस अलीना खामोश हो जाओ। देखो तो अली को हमारे बात करना पसंद नहीं आ रहा। ठीक है तुम अपना रोमांस जारी रखो, मैं अपनी टीम के पास जाता हूँ। वैसे मैं उन्हें तुम्हारा बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे जाने से वो बुरा फील करेंगे, और तुम रुकोगे तो वो सरप्राइज होंगे। चलता हूँ। चलो मेरी जान उठो, हम चलते हैं। मैंने कह दिया ना कि हम नहीं जा रहे, फरहाद तो देख ही चुका है हमें, अब अगर चले गए तो बुरा लगेगा उन लोगों को। तो फिर हम ना जाकर उन सबको सरप्राइज कर देंगे। चलो ठीक है, ऐसे ही सही। अलमास तुम ठीक हो? अलमास मैंने कितनी आवाजें दी? सॉरी अम्मी जान, मुझे लगता है आज की रात बुरी गुजरेगी, बहुत नींद आ रही है, सो जाऊं तो अच्छा है। दिखाओ मुझे, चेक करने दो। मेरे तो हाथ जल गए, कोई बुखार नहीं तुम्हें? हाँ तो मैंने कब कहा तुमसे कि मुझे बुखार है? हाँ अपनी संजकतार लिपस्टिक लगाओ और डिनर पर पहुंचो। जो बोया है वही काट रही हो अलमास, तुम यहाँ बैठकर सिर्फ बातें करती रहो। हाँ अगर तुम्हें कुछ खाना है तो आते हुए ले आओ। जाओ कुछ नहीं चाहिए, बड़े होटल्स में रूम सर्विस होती है, शुक्र है। चलो अच्छा है पता तुम्हें। खुद को संभालो अलमास, इस तरह से उल्टियां करके तुम अपनी जान नहीं बचा सकती। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, कुछ तो करना पड़ेगा। नूर वाव, संजकतार कॉस्मेटिक राज आ गया तुम्हें। बस ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा करीम साहब से मिल लेती हूँ, अच्छा लगेगा उन्हें। अच्छा है तुम्हारे लिए, जल्दी सीख रही हो। गेस्ट कहाँ है हमारी? तबीयत ठीक नहीं, मतलब थोड़ा थक गई है, खाना रूम में ही मंगवा लेगी। यानी डिनर पर नहीं आ सकेगी हमारे साथ। वहां देखो मिस्टर करीम आ रहे हैं। नूर तुम जाके डिनर ऑर्डर करो, मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम है, मैं भी आता हूँ। ठीक है ठीक है।
ठीक है, मुझे कॉल कर लीजिएगा। करीम साहब, क्या फिर कोई गलती हो गई मुझसे? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? वो कुछ नहीं, ऐसा क्यों लगा? जिस तरह आप मुझे देख रहे थे इसलिए पूछा। वो नहीं, मैं थका हुआ हूँ शायद। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है नूर। फरहाद क्या रूम में चले गए? जी हाँ, कुछ जरूरी काम था, हमें चलना चाहिए अब। जी बिल्कुल, चले आए, चलते हैं। मेरी जान, बस एक मिनट में आ रही हूं मैं। अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तुम्हें तो बोल सकते हो तुम। अलीना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया वैसे? अली, मैं यहाँ पर अपने शौहर के साथ अच्छे टाइम के लिए आई हूँ, तो तैयार तो होना पड़ेगा। कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ, चलो बाहर चलते हैं, आ जाओ। यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब सा है, यानी काफी लोग हैं और फिर ये कैंडल्स वगैरह। ठीक है, मैं समझ गया, डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको डराने पापराजी नहीं आएगा। प्लीज नाम भी ना लें आप उसका, उनका नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे अफसोस है मेरी वजह से डर गई आप। ये सब इस वजह से हुआ कि मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मुझे लगता है कि डर के आज रात आपकी तरह घर के बर्तन तोड़ दूंगा मैं। नहीं नहीं, मैंने बर्तन नहीं तोड़े। समझ गया कि आप पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है, पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं। उम्मीद है फरहाद अपनी टीम के साथ डिनर करेगा, हमें तंग नहीं करेगा। उसकी टीम तो पहले ही अलग अलग डिनर कर रही है। क्या? उस सामने तो देखो जरा, मैंने जब नूर को देखा तो सोचा कि हमें उसे जाकर हेलो करना चाहिए, लेकिन लगता है कि कुछ बहुत खास डिस्कस कर रहे हैं दोनों। अब लगता है नहीं जाना चाहिए मुझे। कैंपेन को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ, ये कैंपेन हम लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, यानी मुझे ऐसा लग रहा है। आना जरा साथ में रहे। मुझे लगता है कि ये सब कुछ मुझसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और ये सरप्राइज। जैसे ही तुम्हें देखा सोचा चल के हाय करते हैं। यू मस्ट बी करीम संजप्तार। हाय, आई एम अलीना कुजान, अली कुजान की बीवी। नाइस टू मीट यू। क्या अच्छा इत्तेफाक है मिस्टर अली। जी हाँ, ऐसे ही है, बहुत अच्छा। क्या आप लोग यहीं ठहरे हुए हैं? बिल्कुल, हम लोग भी यही हैं। हमने सोचा था कि हम दोनों ही वेकेशंस पर जाएंगे, लेकिन फार्म हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा और नूर से जान छुड़ाना भी मुश्किल है। हम लोग सोच रहे थे कि पहले की तरह बस हम दोनों ही घूमने जाएं। यानी हनीमून दोबारा? बिल्कुल सही कहा। फरहाद दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ पर है? फरहाद साहब कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने गए हैं, बस आने ही वाले होंगे।
हम वैसे पूरी टीम के साथ आए हैं। अब मेकअप आर्टिस्ट भी यहीं पर है, हेयर ड्रेसर भी है, कैमरामैन भी है। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो कल लोकेशन पर हमारे साथ। ठीक है नूर, ठीक है। क्या जरूरत है ये सब बताने की? मैंने तो बस फरहाद का ऐसे ही पूछ लिया है तुमसे। मेरी जान, मुझे लगता है कि नूर हमें देख के घबरा गई है। प्लीज आइए ना आप लोग भी। थैंक यू सो मच मिस्टर करीम, लेकिन बाद में, मतलब फिर कभी सही, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ बिल्कुल, फिर कभी। वैसे भी ये होटल छोटा सा है, मुलाकात तो होती ही रहेगी। चलते हैं। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए। वो देखो कितना घबरा गई है। क्या खाना आपको अच्छा नहीं लगा? क्या कहा? खा क्यों नहीं रही? हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा है। आप ठीक तो है नूर? कोई प्रॉब्लम है क्या आपके साथ? नहीं तो। कहीं अली के मिलने की वजह से आप परेशान तो नहीं है? नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? इसलिए कि उनके पास आप पहले काम करती थी। मुझे आप ये बात पहले बता चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि अली कुजान अपने पास काम करने वालों के साथ अच्छा रहता होगा जरूर। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, गलत ना समझे, मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ हैरान हूँ। गुड, कल शूट पर बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए आप। जरूर। मेरा पेट खाली था ना, इसलिए तबीयत खराब हो रही थी। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। तुम के यहाँ पे खाने के लिए आई हो अलमास? बस करो अलमास, बहुत खा लिया। सोचो सोचो अलमास, जरा सोचो, जब यहाँ से वापस जाओगे तो क्या करोगे? चलो रिलैक्स करो, ठीक है। उसे 500 दफा तुम धोखा दे चुकी हो अलमास, 501 दफा और सही। गुस्से में है अभी तक, तभी फोन नहीं उठा रहा मेरा। चलो ठीक है, कभी तो फोन उठाओगे। हेलो जाहिद, प्लीज फोन मत बंद करना। तुम इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें मुझसे उम्मीद है? जाहिद खुदा के लिए मेरी एक बात सुन लो। सुबह से मुझे बहुत दफा उल्टियाँ हो चुकी हैं, खाने के बारे में सोचते ही मेरा जी मतलाने लगता है। ऐसी बातें कई बार सुन चुका हूँ, हर बात के पीछे तुम्हारी कोई ना कोई चाल होती है अलमास। जाहिद मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है, यकीन करो मेरा। यकीन है मुझे, हाँ तुम्हें अफसोस हो रहा होगा और साथ साथ दुख भी, इसलिए कि जो पैसे तुमने मुझे ब्लैकमेल करके हासिल किए थे वो वापस करने पड़े तुम्हें। जाहिद प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अलमास, जाहिद और अलमास का ताल्लुक खत्म हो चुका। सुन लो, दोबारा फिर कभी मुझे कॉल मत करना। ऐसा ना हो कि वापस आने पर तुम्हें तुम्हारा सामान उठाने का भी मौका ना मिले। क्या करो अब, क्या करो, सब खत्म, अब की दफा तो वाकई खत्म हो गया। पहाड़ में जाओ अलमास, लानत हो तुम पर। उस शख्स से जो शख्स तुम्हारा शौहर है, दो बोल प्यार से बोले ही कभी? क्या कभी प्यार से उसका हालचाल पूछा? कभी नहीं पूछा नाजान। तुम्हारा शौहर तुमसे तुम्हारी तवज्जो मांगता रहा और तुमने कभी परवाह नहीं की।
जब तक तुम अपनी मोहब्बत जाहिद से छुपाती रहोगी तब तक उसकी जिंदगी में एक अलमास जाएगी, दूसरी आएगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा दो। जाहिद और तुम्हारा एक बच्चा होना जरूरी है। जाहिद उसके बाद किसी की तरफ नजर तक उठाकर नहीं देखेगा, ये बात याद रखना नाजा। रहने दो, मैं खुद देख लूंगी। खुशामदीद तेरी जान। क्या हुआ, दरवाजा तुमने क्यों खोला? कुछ नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ हुआ होगा? मेरा शौहर घर आया था, सोचा मैं दरवाजा खोलती हूँ, सरप्राइज होगा ना तुम्हारे लिए। लेकिन आओ मेरे साथ डिनर करते हैं। खाना मैंने बनाया है, आज किचन में गई थी, तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है मैंने, पसंद आएगा तुम्हें, आ जाओ। तुमने ये हम दोनों के लिए बनाया है? मर्द आज बहुत अपसेट था, तो आयतुल साहबा ने उसी के साथ खाना खाया और ऊपर अपने कमरे में चले गए, तो आज हम दोनों मियां बीवी का रोमांटिक डिनर होगा। आओ बैठ जाओ। मैं खाना खा चुका हूँ नाजान, बेहतर है तुम भी अब खा लो, मैं शावर लेकर सोने चला जाऊंगा। हेलो गाइस, मुझे आने में देर हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। इट्स ओके, वैसे हमने ज्यादा वेट नहीं किया। अली भी यहीं पर है, आपको तो पहले से पता ही होगा। अच्छा, तो ये दोनों गए नहीं? अलीना से इत्तेफाकी मुलाकात से खुश नहीं थी, तभी वो नहीं गए। ठीक है, क्या ऑर्डर किया जाए? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बस अभी फ्रेश होकर वापस आती हूँ। बाहर आओ फौरन। मुझे फ्रेश होना है, आता हूँ वॉशरूम से मैं अभी। जल्दी आना, तब तक मैं स्वीट डिश ऑर्डर करती हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ वो माफ कीजिएगा नूर मैडम, गलती हो गई, हम तो अपना सामान बांध कर निकलने ही वाले थे बस। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ यहाँ हम लोग पहले आए, तुम लोग बाद में आए। हाँ जानती हो कि मैं बकवास कर रही हूँ, सही कह रहे हो, लेकिन ये बहुत तकलीफ दे है, हम लोग एक ही होटल में है। तकलीफ दे तो ये मेरे लिए भी बहुत है। बहुत अफसोस है हमें अली साहब कि हमने आकर आपका हनीमून बर्बाद कर दिया, लेकिन हम तो यहाँ अपना काम करने आए हैं ना कि हनीमून मनाने। प्लीज ये मत भूलिएगा।
तुम फजूल की बकवास करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि उस आदमी के साथ अकेले बैठकर खाना क्यों खा रही थी। मैंने तुम्हें मना किया था। वो आदमी जिसकी बात कर रहे हो तो बॉस है मेरा। तुम्हारा बॉस फरहाद है? फरहाद का भी बॉस है वो। क्या बात है, मैं जानता तक नहीं हूँ अपनी बीवी के बारे में। मुझे लगा मेरी बीवी घर पर होगी, लेकिन वो तो होटल में एक आदमी के साथ मौजूद है अभी। जब मैं आई थी मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ हो गए। मुझे यहाँ रुकना बहुत अजीब लग रहा था। हाँ, मगर अब सोचती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, मैं खुश हूँ। हाँ, ये सोचकर मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी वजह से तुम्हारा हनीमून बर्बाद हो गया। जरा ध्यान रखना, तुम्हें बर्बाद न कर दे तुम्हारा ये काम। यही तो चाहते हो तुम, काम ही की तो तकलीफ है तुम्हें। हाँ, बहुत तकलीफ है मुझे काम से, ये भी जल्दी समझ आ गया तुम्हें। इतनी ही तकलीफ हो रही है तुम्हें तो यहाँ वेकेशंस पर क्यों आए हो? कान खोल के सुन लो, वो आदमी हरगिज़ इर्द-गिर्द नजर ना आए मुझे तुम्हारे। मिस्टर करीम ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे उसका अच्छी तरह पता है, बहुत अच्छी तरह। वो भूल गए जो मैगजीन में तुम्हारे लिए छपा था? बजाय उससे फासला रखने के उसके साथ होटल में डिनर कर रही हो। जितना ऊंचा बोलना है बोल लो। रात को जिस वक्त मैं अलमास के साथ कमरे में सो रही होती हूँ ना, उस वक्त तुम अलीना के साथ एक ही कमरे में होते हो। समझ आ रही है? सोचना इस बारे में, मुझ पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं तुम्हें। वो आ रही है अम्मी, अब फोन बंद करती हूँ मैं, बाद में बात करती हूँ आपसे। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना? नहीं वो, मैं अलमास के हवाले से पूछ रहा था। अलमास की तबीयत अब काफी बेहतर है, फिक्र नहीं करे। नूर, आप थकी हुई लग रही हैं कुछ। दरअसल वाकई थक गई हूँ मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आराम कर लेती हूँ जाकर। क्यों नहीं, बिल्कुल। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट नूर। मेरी जान, बहुत नींद आ रही है मुझे, चलो ना कमरे में चलते हैं, कुछ देर सो जाऊंगी मैं। बिल्कुल, चलो ठीक है, अब उठ जाओ। मिसेस अली का नाम क्या है? अलीना। बहुत ही अच्छी खातून है। अली से बेहतर है ये कह रहे हैं मेरे ख्याल से। क्यों ना कल हम लोग डिनर सब साथ मिलकर करें, क्या ख्याल है? जरूर, बिल्कुल। नूर, नर्वस हो गई हो क्या हमें यहां देखकर? नहीं तो। कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना होगा अपनी शूट के लिए। हाँ बिल्कुल। जब भी थकी हुई हो, काम का स्ट्रेस जो है। हाँ ऐसा ही है, मैं चलती हूँ, गुड नाइट। हमें कौन सा लिफ्ट में रहना है? देखो तो सही जरा, हम एक ही फ्लोर पर हैं। इत्तेफाक पे इत्तेफाक हो रहे हैं। सही कहा तुमने। देखो ना मेरी जान, हम अपने सेकंड हनीमून पर आए और हमारे साथ नूर भी है, लेकिन हमारी नूर किसी अलग कमरे में सोएगी। चलो गुड नाइट नूर। मेरी जान, जरा इसे खोलने में मदद करना।
मैं चेंज कर कर आती हूँ अभी। डर रहा है वो, मेरे पास आने से डर रहा है वो। तुम्हें हिम्मत नहीं हारना लीना, पीछे नहीं हटूंगी मैं, नहीं रुकूंगी। बहुत हो गया बस, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। खामोश नहीं रह सकती क्या? दिखाई नहीं दे रहा कोई सो रहा है? तमीज ही नहीं है, हर वक्त ही बड़बड़ करती रहती है। जिंदगी हो तुम, आज की शूट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, सभी तस्वीरों में नेचर दिखनी चाहिए, ठीक है? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं कितनी देर सोती रही यार, कितना सो गई मैं। तुम्हें क्यों फिक्र हो मेरी, तुम्हारी तरफ से तो भाड़ में जाऊं मैं। सुबह सुबह आकर ये क्या फजूल बातें शुरू कर दी हैं अलमास? ओ मेरी जान, अंधी थोड़ी हूँ जो अब तक ना देखा हूँ मैंने। वो आएगा, वो यहाँ शूट पर भी पहुँच जाएगा, जानती हूँ उसे। शायद शूट के वक्त, लेकिन कैमरे में देखना, शौहर को मत देखना तुम। हाँ तो नूर, तैयार हो? इसको आधे घंटे से तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि शौहर को दिमाग से निकालते। चुप नहीं हो सकती, जानती हूँ तुम मेरी कजिन हो, लेकिन मेरे लिए काम से बढ़कर कुछ भी नहीं। सुन लो नूर, एक मिनट आना जरा। जाओ। क्या बात है फरहत साहब, इतने अरसे में अलमास ने पहली बार कुछ सही कहा है, पहले काम। लेकिन शूट तो शुरू भी नहीं हुई। तुम अपसेट दिख रही हो मुझे। आपने ऐसा क्यों किया फरहत साहब? क्या मतलब? क्यों किया ऐसा आपने? अलीना यहाँ मौजूद है अली के साथ, ये बात आप जानते थे ना, तो फिर मैं अपसेट क्यों ना हूँ? इतनी बेहस नहीं हो सकती हूँ मैं, वो भी यहाँ है, ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई?
तुम्हें लगता है कि अलीना को यहाँ देख के मुझे तकलीफ नहीं हुई? अगर आपको तकलीफ हो रही होती तो आप मुझे जरूर बताते। मेरे बताने से क्या होता? मुझे लगा था कि अलीना हम दोनों को यहाँ देख कर चली जाएगी। चलो, तुम्हें काम करना है, सब कुछ भूल कर काम पे कॉन्सेंट्रेट करो, यही ठीक है। वो देखो, नूर मिस्टर करीम भी यहाँ पहुंच चुके हैं। गुड लक। चलो मैं तैयार हूं। वाओ, ये तुमने बनाया है? अली, ये कुछ भी तो नहीं है। दिखाओ तो सही मुझे। तुमने दोबारा ड्राइंग शुरू कर दी क्या? हाँ, बस ऐसे ही। वो तुम रात को सो गए थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा थोड़ी ड्राइंग्स बना लेती हूँ। खूबसूरत लग रही है अलीना, तुमने वाकई बहुत अच्छी बनाई है। तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो? चलो बाहर चलते हैं। आओ चले। चलो बस ठीक है, नूर मैडम आ गई हैं। चलें सर, हम रेडी हैं। ठीक है, फिर इंतजार कैसा, हम शुरू करते हैं। अच्छा नूर मैडम, आप इस वक्त ऐसे जाहिर कीजिएगा जैसे कुदरत के रंगों को फील कर रही हैं, ठीक है? मेरी तरफ देखें मुस्कुराते हुए। जबरदस्त, थोड़ा सा और मुस्कुराइए। हाँ, ऐसे ही। ओ, उन्होंने तो शूट पहले ही शुरू कर दी। सच में बहुत फारिग लोग हैं। मुझे जेलसी होने लगी है। क्या? नूर के काम से जलन हो रही है मुझे। तुम क्यों इतना हैरान हो गए अली? मैं उसे जेलस होना नहीं चाहती, मगर हो रही हूं, क्योंकि उसके पास जो कुछ है वो मेरे पास नहीं है। उसके ख्वाब, और वो उन्हें पूरा भी कर रही है। उसे ये करने का मौका जो मिल रहा है, देखो ना, शौक पूरा करने के साथ साथ पैसे भी कमा रही है। वो कल तक सिर्फ हमारे बच्चे को संभाला करती थी, और देखो तो सही आज वो कहाँ पहुंच गई है, क्योंकि उसने अपने ख्वाब पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दी। ये आपको अचानक से क्या हो गया नूर मैडम? नूर मैडम, चलें। अलीना, सब ठीक है? तुम क्यों ऐसी बातें करने लगी? वो माफ़ कर देना मुझे, वो दरअसल पूरी रात में ड्राइंग बना रही थी ना, तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ गया, फजूल सी बातें करना शुरू कर दी मैंने। नहीं नहीं नहीं, बताओ तुम क्या सोच रही थी? तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा था तुम मुझसे कहो ना। क्या तुम कोई काम करना चाहती हो, जैसे ड्राइंग वगैरह बनाना? तुम ऐसा करना चाहती हो कुछ? इससे फर्क ही क्या पड़ता है वैसे अली, मैं क्या चाहती हूँ उसकी परवाह करता ही कौन है। मुझे है ना परवाह,
तुम्हें ये सब कुछ मुझे पहले बताना चाहिए था लीना। कुछ ऐसा है जो तुम कहना चाहती हो मुझसे? तुमने तो ड्राइंग्स बनाना भी छोड़ दिया था ना, तो क्या थी वजह? यानी तुमने कभी मुझे? हाँ, मैंने नहीं बताया। छोड़ दो इन बातों को, इसके लिए हम यहाँ नहीं आए। दरअसल तुम्हारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे गिर्द घूमती है। बात यह है लीना, अगर करना चाहती हो तुम कुछ, या तुम्हें कुछ बनना है, अगर तुमने अपनी लाइफ के लिए कुछ सोचा हुआ है, तो मैं साथ हूँ तुम्हारे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम जो करना चाहती थी वो रोकना नहीं चाहिए था तुम्हें। यही तो गलत किया लीना। हैरत है इतने अरसे बाद तुमने मुझसे कुछ कहा है। तुमने बस इतना कह दिया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बात सुनो, सोच लो, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे करना चाहिए। तुम्हारे लिए काम करना सही है, और मैं भी तो हूँ ना साथ अलीना। अली, क्या सीरियस हो तुम? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम जो चाहो कर सकती हो। जो भी चाहूँ मैं, मतलब अगर ड्राइंग करना चाहूँ मैं, या फिर पेंटर बनकर कोई एग्जीबिशन करूँ, या फिर मैं कोई वर्कशॉप करके अपनी डिजाइन की हुई चीजें बनाऊँ। कहीं तुम भी मेरी माँ की तरह मेरे ख्वाबों को तोड़ तो नहीं दोगे? तुम ये तो नहीं कहोगे कि मेरे बेटे की परवरिश हो नहीं रही तुमसे? अब हिम्मत नहीं है मुझ में ख्वाबों को टूटते देखने की। हरगिज नहीं होगा ऐसा। जैसे चाहो ख्वाब पूरा करो लेना, और हाँ, जो हो सकेगा करूंगा मैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा जो तुमने कहा। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? थैंक यू सो मच। नूर, नूर मैडम, यहाँ देखिए क्या हो गया है आपको। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नूर, नूर ये क्या कर रही हो? ब्रेक लेते, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। संभालो खुद को, हमें काम करना है। वो बिल्कुल सामने है। तुम्हें कुछ नहीं सोचना, अपने काम पे फोकस करो। ठीक है, शूट शुरू करनी चाहिए हमें। मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैंने जैसे कहा था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। चलो आ जाओ, एक शूट तुम मारोगे, एक शूट मैं मारूंगा। ओके। वाह भाई, जबरदस्त शूट थी। ताया जान, आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं। आपसे ज्यादा अच्छा तो मेरी अम्मी खेलती हैं। ऐसा है क्या? तुम्हारी अम्मी भी अच्छा खेलती है मुझसे? ठीक है, जाओ तो फिर अपनी नानी के साथ खेल लो ना। कैसा बच्चा है। उफ, मुझे नहीं खेलना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ वापस तो तुम मेरे पास ही आओगे और फिर कहोगे कि आओ ताया जान खेलते हैं। मर्द अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा है। हाँ वाकई, कैसे बहलाऊं इसे समझ नहीं आ रहा मुझे। कहा था ना फोन मत करना। शायद रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे। तुम मत करो रिक्वेस्ट। मुझसे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद मत रखो, तुम्हें नहीं बचा सकता मैं। समझ आ गया ना तुम्हें? जो मदद मांगनी है अल्लाह से मांगो। ये क्या हो रहा है अलमास? कुछ करो वरना सब खत्म। अलमास थी ना? नाजान, अब तुम मत उलझना। मैं तुमसे नहीं उलझूंगी जाहिद। तुमसे उलझकर ही तो मैंने अपनी जिंदगी जहन्नुम बना ली। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? तुमने क्या किया? तुम फिर उस अजाब को अपनी जिंदगी में ले आए? कुछ नहीं होगा नाजान, मैं वादा करता हूँ आइंदा कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। चलो ठीक है, मैं सोचती हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे।
ये खुशखबरी अम्मी को देनी है मुझे, और कॉल करके अपने बेटे से भी बात करूंगी क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। मैं अपना फोन कमरे में ही भूल आई। रुक जाओ, मेरे फोन से कर। नहीं, मैं जाकर कर लूंगी। वैसे भी मुझे सर्दी लग रही है तो कमरे में जा रही हूँ मैं। तुम चाहो तो यहाँ पर शूट देख सकते हो। देखो ना नूर कितनी अच्छी लग रही है। करीम साहब तो पागल हो रहे होंगे। चलो बाय, मिलती हूँ तुमसे। ये मोहब्बत बदुआ